दो चार साहब जी हम दे भाई अपने कश्मीरी भाई तू तो बड़ा खुशकिस्मत है कि इंडिया जरा राज्य शराब का पीना उसे ठीक। मैंने वहां से शुरू किया उनको गिनने सात आदमी वो बैठे थे फिर उसको ऐसे टच भी किया होता एसडीएम साहब को बुलाओ हम ये नहीं कहते कि इसको कहीं दूर फेंको जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ बात आपने सब बैठे हमारा ही कोई अपने जिन्होंने ये ठेके का मसला करवाया है उस वजह से आप लोग बाशूर हैं आप सब जानते हैं और आप हमारे लिए मदद करें और ये जहां से ठेका है यहां से हम बंद करवाएंगे जिस तरह भी हुआ कुछ भी करना पड़ा वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह। लिहाजा यहां एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल यहां तीन मस्जिद वो कुछ पढ़ लेते कुछ बन जाए उसके बदले अगर ऐसी गंदी आइटम हमारे गाँव में अगर लाई गई है तो हम इसको बाइकआउट करते हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका डीसी साहब एसपी साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पंचायत से ये हटाया जाए। गाँव के लिए जो कोई बड़ी बात नहीं है हम इसी तरह कल भी हमने जदोजहद की है आज भी हम इसी लिए तैयार हैं हम ये काबिले बर्दाश्त नहीं है हमारे लिए ना हमें हमारी मदद करेंगे हमारा कोठा जाए। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आराम करा दिया है तो यहाँ हमारे शराब खुल रही है और हम खामोश बैठे क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भैया। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है जितनी भी गवर्नमेंट जितनी भी है उनसे ये शराब खाना भाई साहब अगर हिम्मत है तो बिठंडी पे खोल के दिखाओ यहाँ 50-50 पॉपुलेशन है साइकिलो मंडी में नहीं खुलने दी 30 सरदार थे उन्होंने कहा 30 फैमिली यहाँ से माइग्रेंट करो फिर शराब खोलो यहाँ हमें 70 साल के बाद एक जदोजहद के बाद हमने एक टेका बंद करवाया आज फिर यहाँ शराब एक ये खुलेगी इसी की आड़ में दूसरी बाजार में खुलेगी इसी की आड़ में तीसरी खुलेगी हमें शराब हमें आज दे रहा आज हमारे बच्चे एम टेक बी टेक क्या क्या करके PhD को बैठे डिप्रेशन में चले गए वो तो नशा ही करेंगे और सुरनकोट के अंदर इतनी गुंडागर्दी है उसको आप संभाल नहीं सकते हो रात को बच्चे क्या क्या करते हैं नंगा नाच नाचते हैं कुछ लोगों की बड़ी ये है जी और जी चिट्टा पीने ये शराब सस्ती है यार क्या हो गया आपको यार लानत पड़े ऐसे लोगों को जो जो पीढ़ी देते हैं बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए जिसको जो करना पे हमारी स्टेशन है हमारे सारे लोगों को उन्होंने कॉलिंग की और यहाँ पे डराया कि हम आपके खिलाफ PSA लगाएंगे जिसको PSA लगाना है सबसे पहले मुझ पे लगा जो कॉल है ये कॉल मैंने किया हर फर्द को मैंने फोन किया है आज मैंने 150 लोगों को ये चुने हुए लोग यहाँ पे हमारे शाहनवाज साहब बैठे हैं मलिक साहब बैठे हैं मुफ्ती हमारे सरपंच साहब बैठे हैं हमारे इमाम साहब बैठे हैं कल मैं यहाँ पे 10,000 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करूँ किसी के जहन में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि वो कोई शख्स यहाँ पे एक दो आदमी साथ में मिल के शराब की दुकान खोलेंगे हम यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे हम अपनी जाने देंगे हम अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे और बीच में मैंने कहा कुछ उलमा हजरात हैं और कुछ हमारे लीडर भी हैं उन पर ये उंगलियाँ उठ रही हैं कि वो बिके हुए हैं लेकिन कोई भी शख्स इस गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ पे हम देखो मैं बता दूँ DDC साहब ये दो जो हैं सोए पहले एक ठेका था उसको बंद सब लोगों ने करवाया और बिलखसूस उसको उसकी उसका जो जुलूस था उसको लीड मैं कर रहा था उस शराब की दुकान को ताला मैंने लगाया था ठीक है अगर वहाँ पे लगा था वहाँ पे मेरी बड़ी मजबूरी थी यहाँ पे मेरी कोई मजबूरी नहीं ठीक है हम जगह जगह हम रोड पे बैठेंगे जिसको PSA लगाना है वो PSA लगाए गोली मारनी है गोली मारे DSP साहब भी सुन लें SHO साहब भी सुन लें और SDM साहब सुन लें और रात को हमारे हम हैं और शराब बुराइयाँ फैलती है क्या क्या बुराइयाँ फैलाती है सबको पता है शराब से जो आदमी शराब पीता है और जो वो करता है वो सबको पता है एक मारता है अपने बाइक पीकर गाड़ी चलाता है तो वो लोगों को कुचलता है शराब बुराइयां फैलाती है और हम चाहते हैं कि जो चीज़ बुराइयां फैलाती है उसको बंद किया जाए उसको सुप्रीम कोर्ट की धरती पर कहीं ना खोला जाए यही हमारी वक्ती हुकूमत से गुजारिश है और आप सब भाइयों के लिए ये संदेश रहेगा कि हमारा अगर इस शराब की दुकान बंद कराया गया और डरना जो है वो बुजदिल की निशानी होती है मर्द मुजाहिद कभी डरा नहीं करते आप अपनी हिम्मत का अपने हौसले का मुजाहरा करें कोई PSA नहीं लगता है कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है आप एक नाजायज़ चीज़ को हराम चीज़ को बंद करवाने जा रहे हैं जिसकी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए कि हाईवे से 550 मीटर की दूरी पर जाके खुलेगी। कल जो व्हाट्सएप पे वायरल हुई एक परमिशन लेटर देखा हमने उसमें भी ये लिखा गया है कि पंचायत अपर कोठा लिंक रोड पर
तो ये लिंक रोड के बजाय जबरदस्ती से सीना जोरी से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईवे पे शराब उतारी है, तो हम इसका बायकॉट करते हैं, इसकी पुरजोर और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो मैं उसके मतलब यही कहूँगा कि ये हमारे लिए मुसलमान के लिए हराम है और हराम रहेगी, और हराम चीज़ के लिए हम कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ शराब की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमान है यहाँ मेरे ख्याल में 99% है, 100% तो ये हमारे लिए आराम है और हम इस शराब खाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके बंद कराने में अगर किसी किस्म की भी कुर्बानी की ज़रूरत पहले बात खुद करे लानत करे शैतान। आपने बड़ी तकरीरें की नौजवानों ने, मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूँ। ये पोठे का कोना किसने बताया सुंदरबनी के लोगों को कि दुकान यहाँ ही खोलनी है? इस पर क्यों नहीं गौर करते आप? फिर दुकान किसने दिलवाई है, इस पर क्यों नहीं गौर करते आप? जब अभी आपने कहा कि हम 100% यहाँ हैं, तो हमने कोई दो चार शख्स तैयार किए होंगे कि आप दुकान दे दो, हम साथ होके खुलवाएंगे, CRP पुलिस हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। तो ये नाराबंदी भी करें, जिस मेरे भाई ने दुकान दी है उससे कहें कि अगर आपको बरादरी में रहना है तो ये दुकान खाली करवा दें। मुक्त भारत का अभियान चला रही है, वहाँ स्कीम चला रही है कि नशा से रोको मेरे भाई, के वो नशा करने वाला एक मरता है, जैसे पहले भी यहाँ ये शराब पी के पूरे घर वालों को रोजाना मारता है, समाज सारे को मारता है। ये बराई हमारे ऊपर मसलत करके हमें क्या तोहफा देना चाहते हैं? हिंदुस्तान सरकार के यूटी बनाने के बाद ये तोहफा है आपको? और उसके बाद देखें बिहार जैसे बड़े स्टेट में जिसमें 40 MP की सीटें हैं, वहाँ पर शराब बंद है। अब गुजरात देखें, जिसको मॉडल ऑफ गुजरात कहते हैं दिल्ली में बैठ के, वहाँ शराब बंद है। तो यहाँ पर डिमांड किसकी है भाई? जब आप ऊपर तक पहुँचाएंगे, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात, जैसे तारक साहब ने अभी जो बात की है, इसमें बहुत वजन है। वजन इसलिए है कि हम उस तहकीक में जाएं कि दुकान किसने और किसने दलवाई। सबसे बड़ी बात ये है खोज करने की। ऊपर से सर्जरी करने से तसादम से कुछ हल होने वाला नहीं है। पहली बात तो ये कि इसकी पूरी खोज की जाए कि सुंदरबनी वाले ने यहाँ कैसे, जैसे पोठा बाईपास में हुआ था तो वो लेडीज़ ने आके बैठ के बोला था मेरे साथ धोखा और फ्रॉड करके लिए वहाँ से बंद करवाई। अब यहाँ पर जब तक यहाँ का कोई मकामी आदमी साथ में नहीं होगा, सुंदरबनी वाले की हिम्मत नहीं है। पहले तो इस चीज़ पर हम सब, फिर कुछ ऐसे आदमी भी जो कहने लगे कि नहीं भाई यहाँ PSA और ऐसी चीज़ें जो मसलत होंगी ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करें, अगर PSA लगाना है तो आज ही लगा लें, लेकिन हम ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ अगर ओठा में एक नेशनल हाईवे पर अगर दुकान लेकर शराब की दुकान खोली जाए। मैं तो कहता हूँ कि देखो ऐसे हमारे लोगों को भी कुछ ऐसे हैं जो गाँव वाले, सैयद हैरत साहब उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए इमाम जामा मस्जिद, उनके साथ यहाँ पर मेरे बड़े भाई और DDC सुरनकोट शाहनवाज साहब, उनके साथ बैठे हुए यहाँ तारक मनाज साहब, यहाँ हलीम साहब, हमारे महताब बहारी साहब, फिदा हुसैन साहब, यहाँ जो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या होता कि अगर आज हम इकट्ठे होके किसी अच्छी मांग के लिए इकट्ठे, अगर आज फिक्र की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए, बहुत ही बड़ा अलमिया है और बहुत फिक्र की बात है। अल्लामा इकबाल ने कहा था फिक्र करे नादा मुसीबत आने वाली है, कि फिक्र करे नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बेस्ट वो बेहतरीन आपका मॉडल है, तो इसका मतलब शराब की दुकान ना खुलना बेहतरीन मॉडल है, तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में करिए और यहाँ पे भी करिए कि आप शराब की दुकान मत खोलिए। और अगर आप गुजरात में खोलते हैं तो ठीक है, हम भी स्वीकार कर लेंगे, फिर हम भी कहेंगे आप खोलिए। इसलिए मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें इसके लिए कास के लिए खड़ा होना होगा, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना होगा और हमें हम किसी सूरत में जो है शराब की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं। मैं एक नारा दूंगा, आप जवाब दीजिएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम इसकी मुखालफत क्यों करते हैं, ये कुरान अजीम की तफसीर है और इसमें
अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और कुरान पाक की आयत मुकद्दसा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, शराब और जुआ और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम है, तो इनसे बचते रहो। और फिर इसके ज़िमन में हदीस पाक दर्ज किए हैं, आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि शराब के बारे में 10 शख्सों पर लानत की गई है। उनमें से पहला शराब बनाने वाले पर, दूसरा शराब बनवाने वाले पर, तीसरा शराब पीने वाले पर, चौथा शराब उठाने वाले पर, पांचवा जिसके पास शराब उठाकर लाई गई उस पर, और शराब पिलाने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, और शराब की कीमत खाने वाले पर, और शराब खरीदने वाले पर, और जिसके लिए शराब खरीदी गई उस पर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने 10 आदमियों पर लानत की है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलात तस्लीम का ये भी इरशाद है, हुजूर अलैहिस्सलात तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनिए, हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उसका नाम बदल कर कुछ और रखेंगे, उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली गानियां गाना गाएंगी, अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा देगा, और उन पर कुछ लोग और उनमें से कुछ लोगों की सूरतें जो है बंदर और सुअर की हो जाएंगी। आगे वाली हदीस जो है इसमें आका कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का फरमान है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है कि हज़रात, जहाँ हमारे नौजवानों का ताल्लुक़ है, हमारे बच्चे जो हैं ये वजीफ़ा पढ़ते हैं कि हमारा जहन जो है वो तेज़ हो जाए कि हम इल्म सीखें, हमारे मदारिस हों या स्कूल हों, और हमें भी बच्चे कहते हैं ऐसे कोई वजीफ़े बताएं जिससे हमारे जहन तेज़ हो जाए, हम इल्म हासिल कर सकें। और यहाँ हाल यह है, गवर्नमेंट हमारे बच्चों को शराब पिलाकर पागल करना चाहती है कि ये पागल होकर अपने घरों के अंदर रात पड़े रहें, ना ये इल्म हासिल कर सकें। और हम मजम्मत करते हैं जितने हमारे ये मौजूदा इलाका यहाँ हाजिर आए हैं, और हमारे और उसकी मदद करने वाले कितने शराबी यहाँ जमा हैं, पूरे मौजीने सुरकोट यहाँ मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं। और इस बात पर हमें गौर करनी है कि आज शराबियों की तादाद ज़्यादा होती आ रही है, और वो इस तरीके से डरा करके आप पर पियासा लगाते हैं, ये होगा, वो दफ़ा लगाएंगे, वो दफ़ा लगाएंगे। हमें कहीं पोठा से सुरकोट या किसी दूसरी जगह हमें जाने से तकलीफ़ ना हो, इसलिए कि यहाँ ही हम और ऐसी जगह शराब की दुकान की इजाज़त दे दी है, ऐसी जगह दुकान ले करके दी है कि वहीं से लें और कस्सी में बैठ करके हम शराब पिए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिस तरीके से देखिए, शराब बावजने पेशाब, पेशाब के जाहिर होने से इंसान का वुज़ू टूट जाता है, और शराब पीने से इंसान का ईमान टूट जाता है। वो हज़रात गौर करें जिन्होंने दुकान दी है, अगर वो दुकान जिस तरीके से वो हमारी बहन बोल रही है कि मैं लिख करके ये दे रही हूँ कि शराब मेरी दुकान है, मेरे बच्चे का रगजार खुलेगा, अरे जब रगजार खुलेगा, उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमाए, जिस मुसलमान ने जान बूझ करके और शराबी को ये समझ करके, मुसलमान समझ करके उसने मुसाफा किया, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल है।